सारे साथी कमोबेश सारे विषयों पर चर्चा इस बजट पर कर चुके हैं। इस बजट के बारे में ये कहा जाए, अभी विपक्ष के लोग भी कुछ बोल रहे थे, तो उनकी हालत तो ये है कि बहू कितने भी बढ़िया खाना बना ले, सास का काम ही है उसमें कमी निकालना, तो वो सास का भूमिका निभा रहे हैं लोग। थोड़ा पढ़ाई लिखाई भी कम करते हैं। अभी पीछे एक साथी बजट को पढ़े नहीं और खड़े हो गए, वो बोल रहे थे कि खाली जो है गली मोहल्ले की सड़कें नहीं बनेंगी तो दिल्ली कैसे विकास करेगा। अब बजट पढ़ लिए होते तो आपको पता चल जाता कि इस बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय वित्त मंत्री जी ने प्रोविजन किया है मुख्यमंत्री सड़क योजना का, एक एक सड़कों को शानदार स्वच्छ बनाने का संकल्प इस सरकार के पास इस बजट में है। आपको बताना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ, एक एक गांव की एक एक रोड को ठीक करने का, नालियों को ठीक करने का संकल्प इस बजट में है। आपको बता दूं, ग्रामीण सड़क योजना, ग्रामीण विकास योजना के तहत इसी बजट में सैकड़ों करोड़ रुपए का प्रोविजन किया गया है। माननीय आप लोग को बताना चाहता हूं, जान लीजिए। आपको बताना चाहता हूं, अनथराइज कॉलोनियों के एक एक सड़क को, नालियों को ठीक करने के लिए इसी बजट में हजारों करोड़ रुपए का प्रोविजन किया। पढ़ लीजिए जरा, अपने जो मुखिया हैं उनसे ज़्यादा प्रभावित हैं, थोड़े पढ़े लिखे कम हैं, ये लोग भी जहमत उठाना नहीं चाहते। मैंने कहा बता दूं इनको, पीडब्ल्यूडी ने 3,000 करोड़ से ज़्यादा का प्रोविजन दिल्ली की सड़कों को शानदार और चमकदार बनाने के लिए, यूरोपियन मॉडल पर उसको सजाने के लिए, संवारने के लिए, मैकेनाइज स्वीपिंग करने के लिए प्रोविजन किया है। उसको आपने पढ़ते नहीं हैं और खड़े हो जाते हैं वही बहु सास की तरह कि कुछ कमी निकालना है, कुछ कमी निकालना। भाई ये सही टॉक होगी, समय खराब हो, अखिलेश जी खड़े हो जाते हैं लोग। आपको बताना चाहता हूँ अखिलेश जी, ये बिना दोनों आप मेरी तरफ मुंह करके बोलिए, उधर ये बताना चाहता हूँ कि ये बजट अध्यक्ष जी बिना एक रुपए कर वृद्धि के दिल्ली के बजट को लगातार 29,000 करोड़ से आज 68,800 करोड़ रुपया पहुंचाने का, 78,800 करोड़ रुपया पहुंचाने का हमारी सरकार ने काम कर दिया है। ये एक ऐसा सरकार है जो महिलाओं को बस यात्रा कराने का फ्री में काम करती है। ये ऐसी सरकार है जो 24 घंटे बिजली देने का काम, 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने का काम कर रही है, 400 यूनिट बिजली आधे रेट में देने का काम कर रही है, देश में सबसे सस्ती बिजली देने का काम कर रही है। ये ऐसी सरकार है जो बच्चों को निःशुल्क वर्ल्ड क्लास एजुकेशन देने का काम कर रही है, अपने स्कूलों में स्मार्ट क्लास बनाने का काम कर रही है। ये एक ऐसी सरकार है जो 250 पहले करते थे हम लोग टेस्ट, अब 450 टेस्ट निःशुल्क करने का काम कर रहे हैं, 45 बड़े अस्पतालों के साथ वर्ल्ड क्लास हेल्थ सिस्टम दे रहे हैं। और आपकी सरकारों की, जो प्रदेश की सरकारें हैं, नहीं इलाज करा पाती, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, राजस्थान से, हरियाणा से सब लोग आते हैं दिल्ली में इलाज कराने के लिए, और अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं आइए हम स्वागत करते हैं, आपकी सरकारें नहीं काम कर पा रही हैं, नहीं इलाज करा पा रही हैं, हम आपका इलाज करने का जिम्मा रखते हैं। यह हिम्मत है इस बजट में, आपको बताना चाहता हूँ। और इतनी चीज़ें फ्री, निःशुल्क पानी देने का काम इस वर्ष भी बजट में जारी रखा, माननीय मुख्यमंत्री जी को, वित्त मंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। इतनी चीज़ें फ्री देने के बावजूद भी केजरीवाल मॉडल ऑफ इकोनॉमिक्स का ये प्रभाव देखिए कि आज देश में 31 जगहों पर बजट प्रस्तुत हो रहा है लगातार, 30 जगहों की सरकारों ने, केंद्र की सरकार और 29 प्रदेशों की सरकारें घाटे में बजट प्रस्तुत किए हैं। और सल्यूट करना चाहता हूँ वित्त मंत्री जी को, सल्यूट करना चाहता हूँ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को कि दिल्ली का लगातार 9वां बजट भी मुनाफे का बजट प्रस्तुत किया है, इतनी वेलफेयर स्टेट का काम करने के बावजूद। तो सवाल उठता है कि कुछ फ्री नहीं है, और जगहों पर बिजली सस्ती नहीं है, पानी फ्री मिल नहीं रहा है, और जगहों पर शिक्षा शानदार बन नहीं रही है, आप इलाज करा नहीं पा रहे अपने प्रदेशों में, कंक्लूड करिए, उसके बावजूद भी आपकी सरकार घाटे में चल रही है, तो देश के लोग सवाल उठा रहे हैं कि केजरीवाल जी अगर सब चीज
मुफ्त में दे करके, अच्छे सुविधाएं दे करके, अच्छा बजट प्रस्तुत करके, मुनाफे का बजट प्रस्तुत करते हैं, तो आपकी सरकारें क्यों नहीं कर पा रही हैं? अंतर यही है कि यहाँ पर एक ईमानदार कट्टर ईमानदार सरकार काम कर रही है और वहाँ की सरकारों की नीयत ठीक नहीं है, इसलिए वहाँ का बजट घाटे में चल रहा है। ये बताना चाहता हूँ मैं आज खड़े होकर के बताना चाहता हूँ कि ये बजट एक एक भारत के भविष्य को इंगित करता हुआ बजट है। क्योंकि अध्यक्ष जी, ये जो बच्चे होते हैं भारत के भविष्य होते हैं अध्यक्ष जी, और किसी देश का भविष्य अगर खतरे में हो तो देश आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए हमारी सरकार ने सबसे ज्यादा भारत के भविष्य को देखते हुए अपने शिक्षा पर एलोकेशन करने का काम किया, जो भारतवर्ष में सबसे ज्यादा है। तो पता चलता है कि कौन कौन देश में भारत के भविष्य को देख करके बजट बनाता है। ये भारत के एक एक बच्चों की तरफ से, दिल्ली के एक एक बच्चों की तरफ से मैंने वित्त मंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने उनके लिए सबसे ज्यादा एलोकेशन शिक्षा में रखने का काम किया है। आज हमारी सरकार देश में सबसे ज्यादा हेल्थ पर अपने बजट का प्रतिशत कुल अमाउंट में से सबसे ज्यादा प्रतिशत खर्च करने वाली सरकार बनी हुई है, और कि कोई भी सरकार अपने बजट का 15% से खर्च करने की हिम्मत नहीं कर पा रही है। ये बजट देखिए, महिलाओं को अखिलेश जी कंक्लूड करिए प्लीज। कंक्लूड कर दिया तो अध्यक्ष जी, ये बजट बच्चों के लिए एक अच्छा बजट है, एक महिलाओं के लिए एक अच्छा बजट है, ये बजट सभी दिल्ली के श्रमिकों के लिए शानदार बजट है, ये बजट दिल्ली के एक एक युवाओं के लिए शानदार बजट है। मैं इस बजट का समर्थन करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का और अपने वित्त मंत्री कैलाश गहलोत जी का कि आपने बहुत शानदार बजट लाए। मैं अपने विधानसभा की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे यहां एक डबल डेकर फ्लाईओवर बन रहा है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं इस बजट में आपने दिया है।